हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के किंग खान को ब्रह्मास्त्र में मिल रहा है एक स्मॉल स्क्रीन टाइम। अयान मुखर्जी के सबसे एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा एक खास कैमियो भी है, जिसकी चर्चा पूरी फिल्म से भी कई ज्यादा की जा रही है। हाल ही में इंटरनेट पर ब्रह्मास्त्र से जुड़ी एक फुटेज लीक हुई थी, जिसमें SRK एक डैशिंग अवतार में नजर आ रहे थे। सबसे पहले लोगों को लगा कि एक फेक वीडियो है और इसमें SRK की जगह कोई और स्टार दिख रहा है, पर जब फिल्म के मेकर्स ने अपनी तरफ से इस न्यूज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया, तब फैंस को कंफर्म हो गया कि ये स्टार कोई और नहीं बल्कि खुद SRK हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र में भले ही SRK का रोल उतना बड़ा नहीं होगा, पर उनका इम्पैक्ट काफी लार्ज रहेगा। उनका रोल फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और स्टोरी को आगे पुश करेगा। तो आइए आपको बताते हैं SRK के रोल से जुड़ी खास बातें और कंप्लीट डिटेल्स। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन तो जरूर दबाएं। अयान मुखर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र को कंप्लीट होने में 10 साल का समय लग गया। साल 2013 में आई उनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी के बाद ये उनकी अगली फिल्म होगी। इंडस्ट्री के बड़े बड़े जाइंट्स ने उनकी इस फिल्म का वेट किया है, जिसे ऑलरेडी इंडिया की सबसे महंगी फिल्म का टैग मिल चुका है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र का टोटल बजट 400 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। बॉलीवुड में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बने और उसमें SRK का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मास्त्र जैसी एपिक फिल्म में भी किंग खान का रोल लॉक हो चुका है। दरअसल अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र को एक ट्रायलॉजी के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जिसके चलते रणबीर के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म के आने वाले पार्ट्स में जुड़ेंगे। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वनरास्त्र का, जिसे खुद SRK निभाएंगे। आपको बता दें कि इस रोल का स्क्रीन टाइम ब्रह्मास्त्र के फर्स्ट पार्ट में उतना नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके सीक्वल्स बनते जाएंगे ये पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शायद इसीलिए SRK के इस कैमियो को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। अयान मुखर्जी के मुताबिक वो एक अस्त्रवर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। इस वर्ल्ड में अलग अलग एक्टर्स डिफरेंट टाइप के अस्त्र बनेंगे। रणबीर अग्नि अस्त्र के रोल में नजर आएंगे, वहीं बाकी एक्टर्स नंदी अस्त्र, जल अस्त्र और पवन अस्त्र के रूप में नजर आएंगे। हालांकि अभी रणबीर और SRK को छोड़कर किसी भी एक्टर के रोल के बारे में डिटेल्स नहीं आई हैं। ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी SRK से जुड़ा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उन्होंने इस पोस्ट में कंफर्म कर दिया कि ये वीडियो वनरास्त्र का है और इसमें SRK ही होंगे। अब बस देखना ये है कि ऑडियंस SRK के इस साईफाई अवतार को कितना पसंद करती है। करण जौहर के अलावा फिल्म की विलन मौनी रॉय ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि SRK ब्रह्मास्त्र में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि SRK इस फिल्म में एक हिस्सा है और उनका फिल्म में एक कैमियो है। मौनी रॉय अयान की इस फिल्म में दमयंती के रोल में नजर आएंगी, जो कि ब्रह्मास्त्र की मेन विलन हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SRK का ये रोल फिल्म में सिर्फ 15-20 मिनट का ही हो सकता है। थोड़े दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी SRK ने एक कैमियो अपीयरेंस की थी। अमर के साथ उनके इस कैमियो को खूब पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म को उतनी सक्सेस नहीं मिली थी। अपने रिलीज से पहले ही ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट का ट्रेंड झेलना पड़ा है, जिससे अयान मुखर्जी की इस मेगा बजट फिल्म को भी नुकसान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि SRK का ये कैमियो क्या ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट से बचा पाएगा या फिर उसका भी लाल सिंह चड्ढा जैसा ही हाल होगा। SRK के अलावा फिल्म में साउथ सुपरस्टार नागार्जुन भी होंगे, जिसके साथ अमिताभ बच्चन भी अयान की इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे। ऐसा कई सालों बाद होगा जब SRK और अमिताभ बच्चन एक ही मूवी में स्क्रीन शेयर करेंगे। दोनों ही एक्टर्स ब्रह्मास्त्र से पहले कई हिट फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। अब बस SRK के कैमियो और ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट 9 सितंबर को अपने आप आउट हो जाएगा। तो गाइस, ये थी ब्रह्मास्त्र और SRK के रोल से जुड़ी सारी डिटेल्स। भले ही उनके स्क्रीन टाइम को लेकर काफी सवाल हो, लेकिन उनके फैंस का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि SRK के ब्रह्मास्त्र कैमियो के बारे में आप क्या सोचते हैं। Until then, thanks for watching.